हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपको ये राउंड शेप का टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने 32 फंदे मैंने इसमें डाल रखे हैं। ये आप देख सकते हो, 32 फंदे का ये मेरा इतना बड़ा बना हुआ है। और तीन कलर फ्रेंड्स इसमें मैंने यूज किए हैं। अंदर मैंने इसमें येलो लगाया, फिर ग्रीन और फिर ऑरेंज। आप अपनी चॉइस से इसमें कलर लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप इसको पुरानी चुन्नी या पुरानी साड़ी से भी आप इसको बना सकते हो। तो देखिए, इसके लिए मैंने तीन कलर के ही फ्रेंड्स फंदे डाल रखे हैं। 8 फंदे मैंने येलो डाले हैं और 12 फंदे मैंने ग्रीन डाले हैं और 12 फंदे ही मैंने ऑरेंज डाले हैं। देखिए, अब इसके बाद हम इसको डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो है। सिंगल धागे से फ्रेंड्स मैंने इसमें फंदे डाले हैं। तो फर्स्ट रो में हम अपने सारे ही कलर ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए, जैसे आप फंदे डालते हो ऐसे ही आप इसमें फंदे डालिए। ये देखिए, ये हम बना लिया। अब यहाँ से देखिए, इस कलर को आप ऐसे कर लोगे और नीचे से दूसरा ऐसे क्रॉस करके ऊपर लेके आओगे। आप इसको ऐसे खींच दीजिए। ये देखिए, ऐसे ही हम ये येलो बनाएंगे। इसको इधर कर लेंगे और इसको नीचे से ऊपर ऐसे क्रॉस करके लेके आएंगे। ये देखिए, पूरी रो हमने बना ली। अब इस साइड से भी आप एक बार ध्यान से देखिए, हर बार आपने ऐसे ही फंदा लेना है। ये देखिए, फर्स्ट वाले को ऐसे उतार लेंगे। दोनों तरफ से हमने उल्टा उल्टा इसको बनाना है। ये देखिए, अब हम इसको पीछे कर देंगे और पीछे से ग्रीन वाला ऐसे क्रॉस करके, ये देख सकते हो आप, ऐसे आगे लेके आएंगे। इसको आप थोड़ा सा टाइट कर लीजिए ऐसे, ताकि हमारा जॉइंट अच्छे से इसमें लग जाए। धागे को हमने हर बार क्रॉस करवाना है। ये देखिए, इसको हम पीछे कर देंगे और पीछे से ऑरेंज वाला आगे क्रॉस करके ऐसे लेके आएंगे। ज्वाइंट हमारा लग गया है। अब हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। देखिए, मैं किनारे वाले को आप ऐसे सीधा बनाइए। ये देखिए, अब हम अपना डिजाइन बनाएंगे। तो वो देखिए आप,
फर्स्ट वाले फंदे को उतार लेंगे और यहाँ से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। एक बार हमने उल्टा बनाया, ध्यान से देखिए, धागा पीछे किया और इसमें से एक बार फिर बना दिया। एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया, ये देखिए फ्रेंड, इसको हम ऊपर से करेंगे और ग्रीन वाले को हम ऐसे नीचे से ऊपर लेके आएंगे। छोटी छोटी चीजों का आप बस ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, इसको हम ऐसे करेंगे और येलो को नीचे से ऊपर लेके आएंगे और लास्ट में देखिए हम ये चार फंदे छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। चार चार फंदे हम पीछे छोड़ते हुए फर्स्ट वाले को ऐसे ही उतारेंगे। ये देखिए, फिर से हम ऐसे ही करेंगे, पीछे करेंगे और पीछे से ऐसे क्रॉस करके आगे लेके आएंगे। फिर से देखिए एक बार, ये पीछे करेंगे और पीछे से ऐसे ऑरेंज को हम आगे लेके आएंगे। थोड़ा सा आप इसको टाइट रखिएगा और ये सारे फंदे हम इसे बना लेंगे। देखिए, हमारा बड़ा हुआ फंदा था, इसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे, किनारे वाले को हम सीधा बनाएंगे। फंदा बढ़ाना एक बार और देखिए फ्रेंड, फिर मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगी। एक बार बना लिया, ये हमने दूसरी बार बना लिया, धागा आगे किया और ये हम सारे फंदे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, पीछे हमने चार चार फंदे छोड़ने हैं और इस साइड हमने एक फंदा बढ़ाना है। जब हमारे पीछे के सारे चार चार करके फंदे छूट जाएंगे तो हमारे यहाँ पे आठ फंदे बढ़ जाएंगे। ये देखिए, क्रॉस करके इसको बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आठ फंदे बढ़ाऊंगी और ये मैं चार चार करके यहाँ तक, आठ ही फंदे हमारे बचेंगे, यहाँ तक मैं सारे फंदे इसमें चार चार करके पीछे से छोड़ दूंगी। पहले हमने ये छोड़े, इस बार हम ये छोड़ देंगे। चार चार करके छोड़ते हुए मैं यहाँ तक इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको ऊपर का दिखाऊंगी। देखिए, सात फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं और ये चार चार करते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। ये चार फंदे मेरे छोड़ने बचे हुए हैं, तो लास्ट का आप एक बार और देख लीजिए। ये हमारा यहाँ पे फंदा बढ़ गया, आगे करके हम ये बना लेंगे। ये देखिए, तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, ये हमारे आठ बड़े हुए फंदे हैं और ये लास्ट के चार मैं इस बार और छोड़ दूंगी और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हाफ ये हमारा बनके कंप्लीट हो गया है, सारे फंदे हमने छोड़ लिए हैं। आप देखिए, ये हमारी यहाँ से लेके जैसे यहाँ तक हमारी ये शेप बन गई है।
अब हमें आगे की बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे ऐसे ही अब हम घटाएंगे। देखिए, दो का एक किया, ध्यान से देखिए, एक फंदा हमने यहां से कटा लिया और ये चार फंदे हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए, और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स इसको बनाना, बिगिनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। ये सुंदर सुंदर चीजें बना के फ्रेंड्स दिवाली पे आप अपने घर को सजा सकते हो। ये देखिए, किनारे वाले को आप हमेशा सीधा ही बनाना। एक बार वो देख लीजिए, फर्स्ट वाला उतारेंगे और अंदर से दो का एक कर देंगे। दो फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ा लिए। जब हम फंदे फ्रेंड्स बढ़ाते हैं तो हम नीचे से ऊपर की तरफ छोड़ते हुए फंदे आएंगे और अब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। तो देखिए, आपको गैप लगेगा फ्रेंड्स, तो गैप भरने के लिए आप एक फंदा बीच में से उठाइए और दो का एक कर दीजिए। दो का एक किया और आगे के तीन फंदे और हम बना लेंगे। चार फंदे इस बार हमने ऐड कर लिए और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। छह फंदे मैं और घटाऊंगी इसमें फ्रेंड्स। ये देखिए, दो हमारे यहाँ पे शेप बननी स्टार्ट हो गई है, तो यहां से मैं घटाऊंगी और अब की बार हम ये आगे के चार फंदे और ले लेंगे। ऐसे ही हम चार चार फंदे ऐड करते हुए एंड तक आ जाएंगे। तो मैं इसको यहां तक बना लेती हूँ, छह फंदे मैं और घटाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। ये देखिए, ये यहाँ से हमारे फ्लावर की शेप बन गई है और ये कली हमारी बन के कम्प्लीट हो गई है। बस मेरे चार लास्ट के फंदे बचे हुए हैं और एक फंदा मेरा यहाँ पे घटाना बचा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, बढ़ के हमारे 40 फंदे हो गए थे, अब फिर से हमने अपने वापस इसमें 32 फंदे कर लिए हैं। 8 फंदे जैसे हमने बढ़ाए थे ऐसे ही हमने सारे घटा लिए हैं। एक कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, यहाँ से आपको ऐसे ही करना है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप ऐसे क्रॉस करोगे तो आपको दिखाई देगा, ये देखिए जैसे हमने इसकी सिलाई कर रखी है, और इस साइड से बिल्कुल भी इसमें गैप नजर नहीं आएगा। तो बस आप इन्हीं छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, फिर आपका बहुत ही सुंदर टेबल मैट बन के कम्प्लीट होगा, बहुत ही सफाई के साथ बनेगा। ये देखिए, ये सारे फंदे हमने बना लिए हैं, जो जिस कलर का है उसी कलर से हम बना लेंगे इसको। ऐसे क्रॉस आपने हर बार करवाना है दोनों साइड से। ये देखिए, लास्ट के हम बना लेंगे, तो गैप भरने के लिए फिर से मैं एक फंदा उठाऊंगी। ये देखिए, तो फ्रेंड्स आपको कहीं पे भी इसमें गैप नजर नहीं आएगा। ये देखिए, और आप अपनी चॉइस से इसमें कलर भर सकते हो। दो कलर का बनाना है, दो कलर का आप उतने ही फंदे डालिए, और जो आपने अंदर कलर लगाना है उसके फंदे सबसे पहले डालिए, फिर जो बीच में लगाना है उसके, और फिर सबसे ऊपर आप उसके डालिए जो आप बाहर की साइड लगाओ। देखिए, ऐसे क्रॉस कर लेंगे और ऐसे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस रो को उतार लेती हूँ, फिर मैं दूसरी कली की आपको स्टार्टिंग करके दूंगी। देखिए, अब हम दूसरी कली की स्टार्टिंग दोबारा फिर से करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बढ़ा लिया हमने और एक फंदा ये और हम बढ़ा लेंगे। एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया और पीछे के चार फंदे हम छोड़ देंगे। पूरा हम ऐसे ही बनाएंगे, चार चार फंदे पीछे से छोड़ते हुए आगे आएंगे।
इस रो को मैं आपको उतार के दिखाऊंगी, फिर आप इसी को रिपीट करते हुए जाना। ये देखिए लास्ट के चार फंदे हम ये छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड चार चार फंदे हम छोड़ते हुए ऊपर तक आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ जाएंगे जैसे हमने नीचे बढ़ाए थे, और फिर हम उनको घटाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से चार चार फंदे लेते हुए अंदर की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए जब आप इसको कंटिन्यू बनाओगे तो कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। और फ्रेंड्स अगर आपको डोरमेट बनाना है तो इसको हाफ राउंड सर्कल में भी आप बना लीजिए, और अगर पूजा पास्टर वगैरह बनाना है तो आप इसको पूरा बना लीजिए, ये देखिए। और फिर पूरा बनाने के बाद मैं इसको हाफ ही बनाऊंगी। तो देखिए इसको फंदे हम वाइंड अप कैसे करेंगे वो अभी आप एक बार देख लीजिए। ये देखिए दो का एक किया, फिर से इसमें डाला एक फंदा और लेके फिर से दो का एक किया। देखिए ये हमारे फंदे सारे ऐसे बंद होते जाएंगे। एक बार मैं यहाँ इस ग्रीन कलर तक आपको दिखा दूं, फिर मैं इसको बंद करके दिखाऊंगी। जो जिस कलर से हैं आपको उसी कलर से इनको वाइंड अप करना है। ये देखिए अब यहां से हम इसमें ग्रीन कलर ले लेंगे, बाद में इसकी हम नोट लगा देंगे। ये देखिए अब हम आगे के फंदे ग्रीन से बनाएंगे। ये देखिए कैसे सारे फंदे हम फ्रेंड्स वाइंड अप कर लेंगे यहाँ तक। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताना आपको डिजाइन कैसा लगा, और मुझे कमेंट करके बताना ये डिजाइन कैसा लगा। और फ्रेंड्स इसको अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी नया डिजाइन आपसे मिस ना हो, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।